हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया था। आप लोगों को बैक कैमरे फ्रंट से मैं वीडियो बना रही हूँ, इससे आप लोगों को ये सब कुछ फ्लिप हुआ हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये है रिवाज यूके का सनब्लॉक। इसके बारे में मैंने अभी पूरा रिव्यू दिया है, लेकिन मैंने इतनी डिटेल में बात नहीं की थी। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे। मैंने मैक्सिमम जो है इस सनब्लॉक को यूज़ किया है तकरीबन 4-5 महीने। पहले बात कर लेते हैं कि सनब्लॉक होता क्या है और इसको यूज़ किस तरह से करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आपको अभी के अभी करना है। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम सनब्लॉक को यूज़ नहीं करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी, हमें डिसकलरेशन का सामना करना पड़ेगा। डिसकलरेशन क्या होती है मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। आप मिरर के आगे खड़े होइएगा और चेक कीजिएगा क्या ये डिसकलरेशन आपके फेस पे है या नहीं। अगर नहीं है तो वेरी गुड, अगर है तो मुझे लगता है आज से ही आपको उस पर वर्किंग करना स्टार्ट करनी है। क्या करना है, आपको शीशे के आगे खड़ा होना है और चेक करना है। यहाँ से आपको सही पता चलेगा कि क्या ये आपकी स्किन बर्न हुई है या नहीं। तो क्या करेंगे, आप खड़े होंगे मिरर के आगे, आप चेक करेंगे ये वाली जगह और ये वाली जगह, ये और ये आपका सेम होगा, लेकिन ये जो जहाँ कॉन्टोरिंग करते हैं ये जगह जो है आपकी थोड़ी सी ब्लैकिश होगी। अगर होगी तो मतलब कि यहाँ से स्किन बर्न हो चुकी है और मतलब आपके फेस पर डिसकलरेशन आ चुकी है, मतलब आपकी स्किन जो है दो कलर्स में डिवाइड हो चुकी है, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, ये हम लोग क्यों इन चीज़ों का सामना हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि हम सनब्लॉक यूजिंग कर रहे हैं। पहली चीज़ तो आपको ये पता चल गई पिगमेंटेशन होगी, दूसरी चीज़ डिस्कलरेशन होगी, तीसरी चीज़ रिंकल्स पड़ने लग जाएंगे, फाइन लाइंस आने लग जाएंगी। फाइन लाइंस का कैसे पता चलेगा, जब आप मेकअप करेंगे या मेकअप के बगैर भी आपकी यहाँ पर जो है हल्की हल्की लाइंस पड़ना शुरू हो जाएंगी, वो लाइंस जो है आगे जाके परमानेंट हो जाएंगी। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा सन से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रहा है और दिन में काफ़ी दफ़ा हो रहा है और विदाउट सनब्लॉक हम लोग निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें तो हमारे फेस पे आएंगी ही आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि क्या क्या चीज़ें यूज़ विदाउट सनब्लॉक अगर हम जाते हैं सन पे तो ये चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि ये वैनिशिंग, अच्छा ये है रिवाज यूके का सनब्लॉक, वाइटनिंग एंड वैनिशिंग का सनब्लॉक है, वाइटनिंग आपके फेस पे देता है। तो ऐसा है कि ये वाइटनिंग वाइट कास्ट बड़ी ख़तरनाक किस्म की छोड़ता है, अभी मैं डेमो भी दिखाऊंगी। वाटर रेजिस्टेंस बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब कि मुंह पे अगर आप पानी भी ऐसा करके डाल लेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, आपका सनब्लॉक टस से मस नहीं होगा। ये तो मैं इस पर तो एग्री करती हूँ, मेरी स्किन जो है वो बर्न नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ हुई, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बीच पे होते हैं तो वो बिल्कुल ही सन का हमारे फेस पे बिल्कुल ही इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो ऐसा हुआ लेकिन इतना हद तक नहीं हुआ। सनब्लॉक ने बहुत कवर करके रखा, इसका ये प्लस पॉइंट है कि ये वाटर रेजिस्टेंस तो है। ये UVA एंड UVB रेस से, अल्ट्रा वायलेट रेस से हमें बचाता है, डैमेज करने से, हमारी स्किन डैमेज करने से ये रोकता है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है इसके इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं, सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं कि क्या 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 चीज़ें इसमें ऐड हुई हुई हैं। तो मैं यहाँ पे इसका बैक, यहाँ पे मैं इसमें पिक्चर भी लगा दूंगी और यूजेज भी लिखा हुआ है। इन्होंने यहाँ पे ये क्लेम किया कि 10 मिनट पहले अगर आपने सन में जाना है तो 10 मिनट पहले आप मैक्सिमम लगाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 10 मिनट नहीं कहूँगी, मैं मैक्सिमम 20 मिनट कहूँगी, क्योंकि ये इतनी आसानी से ब्लेंड ही नहीं होता है और अगर ब्लेंड नहीं होगा तो मेकअप कैसे सेट होगा, उस पर डेफिनेटली मेकअप सेट नहीं होगा। तो चलिए इसका डेमो देख लेते हैं और बता देती हूँ कि क्या क्या है। ये इसके प्राइस जो है ये 450 है, इतने कोई हाई फाई रेट नहीं है। 450 में आपको कितनी बॉटल मिल रही है, 120 ml बॉटल आपको ये मिल रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये सही है। तो मैं आपके सामने ये हल्का सा ड्रॉप ले रही हूँ, देखें इतना ज़्यादा मैंने नहीं लिया, हल्का सा मैंने ये ड्रॉप लिया। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको अपने हाथ पे लगाकर आपको दिखा रही हूँ। चट्टा चाट बेस से भी ज़्यादा, अभी जबकि मैं इसको बस इतना सा मैं इसको पूरा ले गई हूँ यहाँ तक,
ऊपर तक ले आई हूँ, तो ये देख सकते हैं चिट्टा चाट मेरा हाथ लग रहा है ये। और आप ये चेक करें कि मैं ब्लेंड करने के बाद भी इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। आप फर्क चेक कर सकते हैं इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। आप फर्क चेक करें, ये बिल्कुल सफ़ेद हाथ लग रहा है और ये बिल्कुल नॉर्मल हाथ लग रहा है। इसको रब कर रही हूँ ताकि ये ब्लेंड हो जाए। अब ये क्लेम कर रहा है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ये 10 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट पहले आपने इसको लगाना है। तो मैं तो कह रही हूँ 10 मिनट क्या है, तो 20 मिनट से भी ज़्यादा आपको पहले लगा के छोड़ देना चाहिए। लिटरली यार दिस इज़ टू मच, मतलब चिट्टा हाथ कर दिया इसने मेरा। टिश्यू से मैंने साफ भी किया। वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैंने दोबारा से इसका रिव्यू दे दिया है, इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसका डेमो अपने हाथ पे दोबारा से दे दिया आप लोगों के सामने। यह डेमो मिलता है दोबारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।